बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा होता है कि हमारे पास दो चीज़ें मेन होती हैं, एक पी और एक क्यू। पी मीन सक्सेस और क्यू मीन फेलियर। मैं इसको अगली वीडियो में डिस्क्राइब जरूर करूँगा, लेकिन उससे पहले मोस्टली जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्वेश्चन को, हाउ टू रिजॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टॉसिंग अ कॉइन। हेड्स के लिए भी होती है, टॉसिंग कॉइन के लिए भी होती है, वेजिटेबल्स के लिए भी होती है, कमोडिटीज डिफरेंट हो सकती हैं। क्वेश्चन है, अ फेयर कॉइन इज टोस्ट 5 times। अ फेयर कॉइन इज टोस्ट 5 times। एक कॉइन है और वो 5 times टॉस किया गया है। इट मीन्स यहाँ पर n हमारे पास 5 है। n मीन्स टाइम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 heads? एग्जैक्टली 3 heads। अब यहाँ पर इस बात को समझने के लिए पहले मैं इसका बाइनोमियल का एक फॉर्मूला यहाँ पर साइड पर लिखा। यहाँ पर हमारे पास होगा p ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x, मतलब कोई भी वैल्यू, लाइक यहाँ 3 heads आए तो 3 या तो यहाँ 3 आ जाए। इसका फॉर्मूला होता है एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास n 5 है और यहाँ x मीन जो आपको वैल्यू दी गई होगी। अब यहाँ एग्जैक्टली 3 head है, इट मीन्स कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला p ऑफ x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे n सी x, n मीन 5, x मीन ये वाली वैल्यू जो हमने यहाँ से देखी। P मीन सक्सेस। मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास P ऑलरेडी गिवन होता है, लेकिन अगर हमारे पास P सक्सेस या Q यानी फेलियर की वैल्यू अगर ना दी गई हो तो फिर क्या किया जाए। हमारे पास आपको यहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रहा हूँ, लाइक P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। P अगर हमारे पास ना दिया गया हो या Q हमें अगर ना दिया गया हो तो वो 1/2 सुपोज किया जाता है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ n है, p की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला p की वैल्यू होगी 1/2 उसकी पावर x, x की वैल्यू क्या है 3। q, q की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो भी नहीं है, तो ये भी 1/2। n माइनस x, n कितना है 5, x कितना है 3। अब हम इसको रिजॉल्व करेंगे, 5c3 10, 1/2 यानी 1/2 की पावर 3 यानी 2 का क्यूब 8, 5 minus 3 2 यानी 1/2, 5 minus 3 कितना हो जाएगा 2 यानी 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पर ऊपर अगर हम इसको 10 को 1 और 1 इसको 1 से गया ऊपर, न्यूमिनेटर की जो वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करें 10 आ जाता, और नीचे 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10/32। तो यहाँ पर एग्जैक्टली 3 heads के लिए हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। नाउ At least 3 heads. Second option में हमें ये कहा गया है कि at least 3 heads. At least का मतलब होता है कम अज कम, यानी कि greater than or equal to. Let's suppose अगर मैं आपसे कहूँ कि एक 25 marks का आपका test है, तो अब आप पूछेंगे सर उसमें से कितने पास होने वाले, कितने marks वाला पास होगा student? मैं ये कहता हूँ कि जिस student 15 मार्क्स होंगे वो पास होगा। इट मीन्स के 15 या इससे अबव होने चाहिए। तो एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल। तो अब यहाँ पे इट मीन्स एटलीस्ट 3 heads का मतलब होगा कि हमारे पास अब x की वैल्यूज 3 होंगी, 3 या उससे ज़्यादा, लेकिन 5 मरतबा टोटल है, इसका मतलब है 3, 4, 5। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले x की वैल्यू 3, फिर 4, फिर 5, ये तीनों पुट करनी पड़ेंगी।
पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 हम पहले ही पुट कर चुके हैं, चले मैं x इज इक्वल टू 4 पुट कर सकता हूँ, x इज इक्वल टू 4। अब यानी कि यहां पर पहले सबसे मैं इसका स्केच आपको बनाकर दिखाता हूं, x इज इक्वल टू 4, फिर हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 5, इसके लिए भी 3 बॉक्सेस हम पहले बना लेते हैं। अब यहां पर n c x, n कितना है 5, x कितना है 4, यहां n कितना है 5, x कितना है 5, p is 1 over 2, वो यहां लिख दिया, q is equal to 1 over 2, यहां लिख दिया, p की पावर x, x क्या है 4, यहां क्या है n minus x, यहां पर क्या है x, p की पावर x, x क्या था 5, और यहां पे 5 minus 5। अब हम इनको रिजॉल्व करेंगे, तो यहां पर हमारे पास 5c4 5 यहां आ जाएगा 1 ओवर 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 ये होता है 16, यहां पर 16 आ जाएगा, ये 18 नहीं है, ये 16 है। अब यहां पर 1 ओवर 2 इट मींस 5 ओवर 32, 5c5 1 होता है, 1 ओवर 2 2 की पावर 5, ये हमारे पास 32 हो गया, 1 ओवर 2 की पावर ये कितना हो जाएगा 0, तो 1 ओवर 2 की पावर 0 1 ही होता है, यानी 1 ओवर 32। अब यहां पर at least 3 heads में अब हम इन तीनों values को जो हमारे पास x is equal to 3, 4, 5 हमने किया था, अब हम इनको plus कर लेंगे। Numerator की values जरा गौर करें, 10, 5, 15 और यहाँ आ गया 16 divided by 32, it means 1 over 2। तो ये हमारे पास यहाँ पर था at least 3 heads, आपने देखा exactly 3 head, एटलीस्ट का भी देख लिया, अब यहां पर आते हैं एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि इंसान पानी के ज्यादा से ज्यादा कितने ग्लास पी सकता है जी, 2-3, यानी कि इतने पी सकता है और उससे कम कम की तरफ रहना है। अब यहां पर है एट मोस्ट 2 हेड्स, इट मींस आप 2 से कम कम रहेंगे, 2-1-0। यहां पर हमारे पास देखें, अगर मैं यहां पर अब ये कंप्लीट हो गया, मैं इससे हटके आता हूं, अब हम सबसे पहले क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 2, फिर क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1, फिर x इज इक्वल टू 0। अब यहां पर मैं उसी तरह स्केच बनाऊंगा जिस तरह ये किया था, एल सी एक्स, ये इसी तरह यहां, इसी तरह यहां, एल सी एक्स, एल कितना था 5, x कितना है 2, n x, अब यहां पे n x, p यहां पर ये आ गया 1 ओवर 2, q भी 1 ओवर 2, अब यहां पर p की पावर x होता है, यानी कि जो यहां लिखा होता है वो हम यहां लिख देते हैं, यहां 1 है, यहां 0 है, ये लिख दिया, n माइनस x, n माइनस x, n माइनस x, n माइनस ये। अब यहां पर 5c2 10, 1 over 2 की पावर 4, 1 over 4, 5 minus 2 3, यानी कि 2 का 2, तो यहां पर आ गया 1 over 8, इट मींस 10 over 32। अब यहां पर 5c5 हमारे पास 5, 1 over 2 एज इट इज, और यहां पर हमारे पास 5 minus 1 4, यानी 16, यहां पर आ जाएगा 5 over 32। 5c0 1 1 over 2, जिस चीज की भी पावर 0 वो 1 हो जाता है, इसी तरह से 2 की पावर 5 यहां पर आ गया 1 over 32, यहां पर क्या आ गया 1 over 32। अब ये इन 3 आंसर जो हमारे पास आए हैं एट मोस्ट के 10, 5, 1, इनको प्लस करेंगे 10 और 5 15 और 1 16,
इट मीन्स एट मोस्ट का मेरे पास क्या आया है 16/32 यानी कि 1/2। तो यहाँ पर मेरे टॉपिक का बेसिकली नाम था बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टॉसिंग कॉइन। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ऐसा होता है कि एग्जैक्टली आ जाए तो उसका मतलब है एक ही वैल्यू पुट करनी होती है, एटलीस्ट आ जाए तो मतलब ग्रेटर और इक्वल, अगर एट मोस्ट आ जाए तो इसका मतलब है कि लेस देन और इक्वल टू। एट वीडियो के आखिर में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में हमें आगाह करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।